नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN9। मैं हूं श्वेता। सबल नारी शक्ति सर्व समाज सेवी संस्था की ओर से निर्धन व असहाय बच्चों के लिए निशुल्क कोचिंग क्लास का शुभारंभ हुआ, जिसमें लगभग 35 बच्चों को प्रवेश दिया गया। प्रवेश को पाकर बच्चों में बहुत ही हर्षोल्लास छा गया। बच्चे बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अध्यक्ष श्रीमती प्रिया चौहान ने बताया कि बच्चे हमारे भविष्य की धरोहर है, इन्हें मजबूत और सशक्त बनाना ही हमारा उद्देश्य है। शुभारंभ के समय सबल नारी के समस्त कार्यकर्ता मौजूद थे। 40 बच्चे हैं कोचिंग में और हमारे ऑफिस से आज इस कोचिंग का यहाँ से शुभारंभ हुआ है। और अभी जो गर्मियों में समर कैंप में इनको ड्राइंग कंपटीशन और योगा क्लास, साक्षरता अभियान, संस्कार क्लास और बच्चियों के लिए मेहंदी, इन सब कार्यक्रम का आयोजन होना है। शिक्षकों के अच्छे कार्य को देखते हुए देवी अहिल्या उमा माध्यमिक विद्यालय हर साल शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित करता है। इस बार भी 3 शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिसमें प्रोफेसर SBS अय्यर, कमलेश विश्वकर्मा और संध्या सालुको को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इस सम्मान समारोह में विद्यालय सहित अन्य स्थानों से भी शिक्षक शामिल हुए। इस अवसर पर मोहम्मद अनवर खान ने महाविद्यालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस समारोह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर निजी व सरकारी किसी भी शिक्षकों को उनके कार्यों व अनुभव के मद्देनजर यह अवार्ड पिछले 25 वर्षों से दिया जा रहा है, जो हर शिक्षक के लिए गौरव की बात है। आज मुझे यहाँ सम्मानित किया गया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके लिए क्या शब्दों में इनका धन्यवाद दूँ। वास्तव में मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई समय से मैंने ये देखा कि आज चाहे हमारे मुस्लिम समाज में है या दिगर सभी या शासकीय स्तर पर बालिका शिक्षा की बड़ी चर्चाएं होती हैं। जमीनी तौर पर मुझे परिणाम बहुत कम नजर आते हैं। किसी और से कहे बिना मैंने अपने प्रयास शुरू किए। ऐसी बालिकाओं को मैंने सर्च किया, ढूंढा, जो वास्तव में शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, तालीम हासिल करना चाहती है। ऐसी बालिकाओं की श्रेणी में कुछ ऐसी बालिकाएं हमारे नजर में आई जो घरों में झाड़ू पोछा करती थी, पढ़ना चाहती थी, 8वीं पास थी, 10वीं की योग्यता थी, 10वीं का प्राइवेट फॉर्म भर सकती थी। उनका प्राइवेट फॉर्म भरवाया, उनको इवन ग्रेजुएशन लेवल तक ले जाके, अच्छा है वो निजी विद्यालय में शिक्षिका हैं। और तो और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जो बालिका कल तक जिन घरों में बंगलों में झाड़ू पोछा करती थी, ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद शिक्षिका की एक पद लेने के बाद उन्हीं बंगलों में आज उनके बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाने जाती हैं, उस घर की मैडम हो गई है। इंदौर रव विधानसभा के विधायक जीतू पटवारी किसानों की मांग को लेकर 25-26 फरवरी को किसानों के पूर्ण कर्ज माफी की मांग व फसलों के उचित दाम नहीं मिलने और किसानों पर लगाए गए सरकार द्वारा मुकदमे वापस लेने व अन्य मांगों को लेकर किसान अधिकार साइकिल यात्रा निकालने जा रहे हैं। यह यात्रा रव से शुरू होकर भोपाल विधानसभा चुनाव भवन पहुंचेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से वादा किया था कि किसान पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी सिर्फ अन्य घोषणाओं की तरह हवा में वादा उड़ा दिया गया। हम सारे विधायक नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में भोपाल में विधायकों के विश्राम गृह से विधानसभा तक साइकिल से जाएंगे और मुख्यमंत्री से ये सब बातें जो मैंने आपसे की, सरकार से आग्रह करेंगे कि आप झूठी और मूर्ख बनाने वाली बातें मुख्यमंत्री से नहीं करो। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। पूर्ण कर्जा माफी सरकार किसानों की एक बार करे, मुकदमे वापस लें, भावांतर की योजना में सुधार करें और जो आपने आज भाव किए हैं 2000 रुपया, पहले 200 रुपये और बढ़ाने की बात की, आज महंगाई के दौर है, 3000 रुपया अनाज की कीमत होना चाहिए और 7000 रुपया दालों की कीमत होना चाहिए। इस तरीके से एक नई रचना बना के किसानों का भला करने की कोशिश करें, मूर्ख बनाने की कोशिश न करें। बुरहानपुर जिले में बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार देने के माध्यम से ग्राम मोहम्मदपुरा में स्थित स्टॉल स्वरोजगार योजना से बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जा रहा है। गुरुवार से शुरू हुए कंप्यूटर अकाउंटेंट का प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिसमें बेरोजगार युवक युवतियों ने भाग लिया। स्टार स्वरोजगार योजना में शहर से लेकर ग्रामीण से आए बेरोजगार युवक युवतियाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। कंप्यूटर अकाउंटेंट का प्रशिक्षण 22 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। वहीं बेरोजगार युवतियों को ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 32 युवतियां ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण ले रही हैं। 16 फरवरी से 19 मार्च तक चलने वाले ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण के बाद युवक युवतियों को बैंक द्वारा लोन दिलाकर रोजगार से लगाया जाएगा। इनको ट्रेनिंग देने के बाद में 2 साल के अंदर इनको रोजगार से भी लगवाते हैं और बैंकों में इनके केस लगवा के जिनको ऋण की आवश्यकता होती है उनको वित्त पोषण करवा के
और इनको यूनिट स्थापित करवाने में मदद करते हैं। नेपानगर वन परिक्षेत्र पूर्व से ही भ्रष्टाचार और नवाड़ माफियों से मिली भगत कर जंगल कटवाने जैसे मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है, तो वहीं अब नेपानगर वन परिक्षेत्र के रिकॉर्ड रूम में हुई इस चोरी की वारदात को लेकर नेपा रेंज एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। रिकॉर्ड रूम में वन परिक्षेत्र से जुड़े हर जरूरी दस्तावेज रखे जाते हैं। रिकॉर्ड रूम किसी भी दफ्तर का सबसे संवेदनशील कक्ष होता है, लेकिन नेपा रेंज के रिकॉर्ड रूम में हुई चोरी पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। रेंजर ने बताया कि रिकॉर्ड रूम की जवाबदारी और इसकी जवाबदारी रेंज क्लर्क व परिक्षेत्र सहायक के होती है, लेकिन रिकॉर्ड रूम में जो दस्तावेज चोरी होने का मामला बहुत ही गंभीर है। इस संबंध में मेरे द्वारा नेपा थाने में आवेदन दिया गया है। चोरी किए गए दस्तावेजों की सूची बनाई जा रही है, जल्द ही सूची नेपा थाने को दी जाएगी और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सूची अनुसार जो है उनका मिलान किया जा रहा है और इसकी सूचना हमने थाने पे दे दी है और जो जो सामग्री मतलब कम पाई जाएगी उसको प्रथम से हमने उपलब्ध कराया। उन्हें ऐसा लगा कि कोई अभिलेख गायब है और कुछ सामग्री वहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किसी सामग्री या अभिलेख का उल्लेख नहीं किया। उनसे हमने जितने जानकारी मांगी, जिस पर उन्होंने लोगों के द्वारा बताया गया कि अभी वो अपनी जांच कर रहे हैं और उसके बाद बता पाएंगे कि क्या क्या अभिलेख उसमें से गायब है या कौन कौन से सामान से गायब हुए हैं, उसके बाद आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शाहपुर में नगर शांति समिति एवं ग्राम सुरक्षा समिति द्वारा आने वाले होली पर्व को देखते हुए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शाहपुर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों और गणमान्य नागरिकों से होली पर्व किस तरह से शांतिपूर्वक एवं भाईचारे से मनाया जाए इससे संबंधित सुझाव मांगे गए, जिसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि ऐसा कोई भी काम न हो जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एडिशनल SP श्री RK सागर ने कहा कि केवल सूखे रंगों से होली खेलें, रासायनिक रंगों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। उन्होंने बताया कि युवाओं को आगे आना ही होगा। आज का युवा हर वक्त देश की दिशा और दशा बदल सकता है। इस अवसर पर महिला अपराध शाखा की कविता आर्य ने महिला अपराध से संबंधित जानकारी दी। वहीं शाहपुर थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने बताया कि साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, आर्थिक अपराध से संबंधित जानकारी बैठक में उपस्थित लोगों को दी। इंदौर मध्य प्रदेश वाणिज्य कर विभाग की टीम संगठन क्रमशः सहायक वाणिज्य कर अधिकारी संघ, वाणिज्य का निरीक्षण संघ द्वारा दिनांक 29/2018 को वेतन विसंगति दूर नहीं किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। नाराज मधुमिलन चौराहे पर गांधी प्रतिमा के पास मानव श्रृंखला बनाकर मार्च करते महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की प्रतिमा कैंडल मार्च करते हुए महात्मा गांधी के सामने कैंडल प्रज्वलित किया, जिसमें महिला कर्मचारी भी उपस्थित थी। खरगोन महेश्वर में हजरत सैयद बेंगलुरी मस्तान का तीसरा वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां लोगों ने हजारों की तादाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस खास मौके पर इंदौर से हजरत नाहर शाह वली की यहां से खादिम बबलू मलंग इदरीस बाबा जहीन गोरी व पत्रकार साथियों के साथ आस्था की चादर सैयद बेंगलुरु मस्तान के आस्थाने पर पेश की गई और आए दिन जो पत्रकार पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर दुआएं खास की गई। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए IBN9।